बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी बच्चों की बड़ों की सबकी पसंद की मैक्रोनीस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं रेसिपी को। सबसे पहले जो वेजिटेबल्स हैं शिमला मिर्च और टमाटर, उसको हम कट कर लेंगे और बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के स्लाइसिस में हम इनको बहुत छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। और जो है मैक्रोनीस, उनको मैंने एक चम्मच नमक डालकर एक पैकेट में बॉयल करने के लिए रख दिया था और इनको अच्छे से बॉयल करना है। बॉयल जब करेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा एक चम्मच हम शामिल कर देंगे ऑयल का। उससे क्या होगा कि ये चिपचिपाहट नहीं होगी और जुड़ेंगी नहीं आपस में। तो इनको हम टैप कर ठंडे वाटर से जो है हम वॉश कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं रेसिपी को। हमें इसके लिए चाहिए एक पैकेट बॉयल किया हुआ मैक्रोनीस का। देन हमें चाहिए चिकन है, मैंने बहुत ही छोटे स्मॉल साइज़ में कट कर लिया है। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज हैं, इनको भी हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। देन स्पाइसेस में जाएगा नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और चिकन पाउडर, और साथ में जाएगा लहसुन और सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, साथ में जाएगा चिली सॉस और सोया सॉस। और शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पैन ले लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल डाला है, इसको हमने गर्म किया और देन इसके अंदर हमने डाला है लहसुन और सब्ज़ मिर्च। मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से सोते कर लेंगे। देन इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है और चिकन के साथ ही हमने थोड़ा सा प्याज डाल दिया। प्याज मैंने आधा लिया है, ये ऑप्शनल है, चाहे तो यूज़ करें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इनको अच्छे से हमने सोते कर लेना है। जब ये अच्छे से सोते हो जाएगा देन हमने इसमें कट की हुई वेजिटेबल जो है वो शामिल कर देनी है। मैंने इसमें टमाटर और शिमला मिर्च ऐड की है, आप चाहें तो इसमें गाजर, बंद गोभी, कोई भी और सब्ज़ी जो है वो ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमने इसमें डाल देनी है स्पाइसेस। स्पाइसेस में जाएगा नमक और काली मिर्च एक एक चम्मच है, और देन इसके अंदर डालेंगे चिकन पाउडर और चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे एक चम्मच मैंने डाला है सोया सॉस का और एक ही डाला है चिली सॉस का। और अगर आप चाहें तो इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें केचप नहीं ऐड की क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो केचप नहीं लाइक करते। देन यहाँ पर हमने जो अपनी बॉयल की थी मैक्रोनीस वो ऐड कर दी है, और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और ख़ूब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और बस हमारी जो मैक्रोनीस हैं झटपट सी वो रेडी हो चुकी हैं, तो इसको हम सर्व कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी आसान और झटपट सी जो रेसिपीज़ हैं वो कैसी लगी हैं। जो मैक्रोनीस है बच्चे बड़े तमाम ही शौक़ से खाते हैं, और मैंने आपके साथ पहले भी बहुत दफ़ा जो मैक्रोनीस की रेसिपी है वो शेयर की है। बहुत ही आसान है और आप इसको बनाएं, आप इसको बच्चों के जो लंच बॉक्सेस होते हैं उसमें भी आप बच्चों को दे सकते हैं, और अगर बच्चे रोटी नहीं खाना चाह रहे तो उसकी जगह भी आप इनको ये बनाकर दे सकते हैं। तो इसमें जो है वेजिटेबल भी शामिल हो जाती हैं और चिकन भी ऐड हो जाता है, तो इससे जो है इसमें तमाम जो न्यूट्रिशन होती है वो बच्चों को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है मैक्रोनीस वो रेडी हो चुकी थी गर्मा गर्म, तो इनको हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और इनको हम सर्व करेंगे केचप के साथ। केचप जो है मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैंने इसके अंदर नहीं डाली थी। तो यहाँ पर जो है मैक्रोनीस बनकर रेडी है। मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे नहीं इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।